वाराणसी के बीएचयू कैंपस से निजता को परिभाषित करने वाली एक तस्वीर सामने आई है। यह ऐसी तस्वीर है जिसके बारे में जानने के बाद आपके माथे से भी पसीना आने लगेगा। यह ऐसी तस्वीर है जिसके बारे में सुनने के बाद आप भी विचार करने लगेंगे कि अपनी बेटियों को कॉलेज में एडमिशन कराएं भी कि ना कराएं। जी हाँ, बीएचयू के कैंपस से जो तस्वीर सामने आई है वो मानवता को शर्मसार करती है। वो ऐसी तस्वीर है जो नारी शक्ति की बात करने वाले इस देश के ऊपर कई गंभीर सवाल खड़े करती है। यह ऐसी तस्वीर है जिसके बारे में सवाल भी करना होगा और विचार भी करना होगा। जी हाँ, खबर सामने आ रही है कि बीएचयू कैंपस में रात में एक छात्रा अपने किसी मित्र के साथ कहीं जा रही थी, तभी कुछ अज्ञात लोग उसे पकड़ लेते हैं, उसके साथ छेड़खानी करते हैं, उसके कपड़े उतार देते हैं और कपड़े उतारने के बाद उसका वीडियो भी बना लेते हैं। जी हाँ, जैसे ही सूचना अन्य छात्रों को मिली, छात्र धरने पर बैठ गए और प्रदर्शन करने लगे, छात्र मांग करने लगे, छात्र सवाल करने लगे उस सुरक्षा की जो बीएचयू कैंपस में हर एक छात्र देखना चाहता है। हर एक छात्र चाहता है कि बीएचयू के कैंपस में जहां हजारों छात्र पढ़ते हैं वहां सुरक्षा हो, जहां कई छात्राएं पढ़ती हैं उनकी सुरक्षा हो। ये कोई आम बात नहीं है, ना ही कोई नई बात है। पहले भी बीएचयू से ऐसी खबरें आ चुकी हैं कि बीएचयू के अंदर छात्राओं से छेड़खानी होती है और कई छात्राओं से छेड़खानी हो भी चुकी है। उसके बाद भी बीएचयू प्रशासन क्या करता है, ये भी अपने आप में गंभीर सवाल है कि फिर एक बड़ी घटना को अंजाम दे दिया गया और ये घटना कोई आम घटना नहीं है। एक छात्रा को नंगा करके उसका वीडियो बना लिया गया और ये वीडियो अब ना जाने कहाँ कहाँ जा रहा होगा। खैर, वीडियो बनाने वाले तो उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था से भी नहीं डरे, वीडियो बनाने वाले सीएम योगी के कानून व्यवस्था से भी नहीं डरे कि उत्तर प्रदेश में यदि छात्राओं से छेड़खानी होगी तो उत्तर प्रदेश का कानून व्यवस्था उनके साथ क्या करेगा। फिलहाल छात्र धरने पर बैठे हैं और अपनी मांग कर रहे हैं कि बीएचयू में सुरक्षा कैसे बढ़ेगी, ऐसे ही छात्राओं के साथ छेड़खानी होती रहेगी तो कोई पिता या कोई भाई अपनी बेटी और बहनों को इन कॉलेज में एडमिशन क्यों कराएगा।